आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि टोस्ट ऑब्जेक्ट पर कैसे काम करते हैं और अगर डीबगिंग करना हो एंड्रॉयड स्टूडियो में तो हम लॉगिंग का कैसे इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। तो लॉगिंग के लिए हमारे पास एक लॉग क्लास होती है, तो उसको हम कैसे मैसेजेस को लॉग कर सकते हैं और डीबगिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने अपने कोड को, तो ये देखते हैं हम आज कैसे टोस्ट और कैसे लॉग क्लास का यूज़ करते हैं। तो एक एग्जाम्पल बता दूँ कि हम आज क्या सीखने वाले हैं। एक तो टोस्ट, यहाँ आप अपनी इम्यूलेटर स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पर आप देखिए एक बटन बना हुआ है और आप देखेंगे बॉटम ऑफ दिस स्क्रीन पर जब मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो एक मैसेज डिस्प्ले होगा। देखिए आपको एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है नीचे हेलो नाम से, और ये थोड़ी देर में डिसअपियर हो जाएगा। एक बार फिर कोशिश करते हैं, दबाते हैं बटन को और देखो ये हेलो अपीयर हुआ और थोड़ी देर में डिसअपियर हुआ। इस मैसेज को कहा जाता है टोस्ट। तो ये टोस्ट हम अपनी एप्लीकेशन में कैसे जनरेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हम आज देखने वाले हैं वो है आपका लॉगिंग को कैसे इफेक्टिवली अपनी डीबगिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ऑन द बॉटम ऑफ दिस स्क्रीन यहाँ कई सारे टैब बने हुए हैं, रन, टू डू, प्रॉब्लम्स, टर्मिनल, बिल्ड, लॉग कैट। तो हम यहाँ लॉग कैट पर क्लिक करते हैं और यहाँ आप देखोगे व्हेन आई क्लिक ऑन दिस बटन, ये इम्यूलेटर स्क्रीन पर देखें, अब मैं बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर एक नया मैसेज प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि आई शो और कोलन कॉल्ड। कोई मैसेज अगर डीबगिंग करने के लिए डिस्प्ले कराना है, चेक करना है डीबगिंग करते में, तो उसे हम लॉग के थ्रू यहाँ पर डीबग करके लॉग कैट में चेक कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम में अपनी एप्लीकेशन में डीबगिंग कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे ये लॉगिंग कैसे की जाती है और टोस्ट कैसे जनरेट किए जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी अपनी स्क्रीन पर वापस जाता हूँ और यहाँ एक बटन ऑलरेडी बना रखा है, चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो मेरी स्क्रीन पर कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ कोड ऑलरेडी लिख रखा था तो मैं ये क्लास भी बना रखी थी, इसमें से मैं इस कोड को भी डिलीट कर देता हूँ, ये जो फंक्शन बना रखा था, ताकि हम दोबारा बना के सीखेंगे इसे। और ये चलिए, तो सबसे पहले मुझे एक बटन लेके आना है, तो मैं यहाँ से एक बटन लाता हूँ और यहाँ ड्रैग कर देता हूँ। और यहाँ आप देखोगे इसके एट्रीब्यूट्स, इस बटन का अभी कोई आईडी दिया है बटन 3 डिफ़ॉल्ट, तो मैं इसको चेंज करके वापस से बटन बना देता हूँ, बटन रख देता हूँ। और यहाँ आप देखेंगे मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ इस पर और इसका सेंटर हॉरिजेंटली कर देता हूँ और इसको सेंटर वर्टिकली भी कर देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली मेरे स्क्रीन के बीचों बीच सेट हो गया है और इस बटन का जो जो आईडी है वो बटन रखा गया है। अब मैं अपनी क्लास पर चला जाता हूँ, मेन एक्टिविटी डॉट जावा पर, और यहाँ जाके मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, पब्लिक वॉइड मान लीजिए डिस्प नाम से एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर एक क्लास ले लेता हूँ व्यू व्यू। अब ये व्यू नाम की क्लास इम्पोर्टेड नहीं है तो मुझे इस क्लास को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मुझे इस बटन के क्लिक होने पर कोई मैसेज डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए मैं एक लॉग क्लास कॉल करता हूँ लॉग, और इसका एक फंक्शन होता है आई, और इसमें आप देखोगे आई के कई सारे ओवरलोडेड वर्जन हैं, तो मैं सबसे पहला वाला यूज़ करूँगा स्ट्रिंग टैग कॉमा स्ट्रिंग मैसेज। तो इसका मतलब पहले आप कोई टैग आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करना चाहें, तो जैसे नॉर्मली जब डीबगिंग करते हैं तो ये पता लगाने के लिए कि ये मैसेज कहाँ से डिस्प्ले हो रहा है, किस फंक्शन से डिस्प्ले हो रहा है, तो हम उस फंक्शन का नाम दे देते हैं। पहले मैं एक स्ट्रिंग में इस फंक्शन का नाम दे दूंगा और दूसरा जो भी मैसेज आपको एरर मैसेज है या जो भी मैसेज आपको डिस्प्ले कराना है वो आप डिस्प्ले करा सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयर, सपोज देयर इज एन एरर हियर, और ये लॉग क्लास अगेन रेड दिखा रहा है तो इसको भी मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो चलिए, तो ये बन गया मेरा डिस्प मेथड। अब जो काम रिमेनिंग है वो ये है कि इस डिस्प मेथड को इस बटन से मुझे एसोसिएट भी करना है, तो मैं वापस XML पर जाऊंगा, बटन क्लिक्ड है ही, और यहाँ के पर मैं इसके ऑन क्लिक एट्रीब्यूट को ढूंढूंगा, ये रहा ऑन क्लिक एट्रीब्यूट, यहाँ मैं लिख दूंगा डिस्प। चलिए अब काम रह गया है सिर्फ इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का। तो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी आपकी इम्यूलेटर डिवाइस पर, वर्चुअल डिवाइस पर, और ये आपको यहाँ पर दिखने लगी। तो अब मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो ये लॉग मैसेज मुझे
डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये लॉग मैसेज कहाँ डिस्प्ले होता है ये देखेंगे आप, नीचे टैब कई सारे टैब्स दिए हैं, रन, टू डू, प्रॉब्लम्स, टर्मिनल, बिल्ड, लॉग कैट। तो मैं इस लॉग कैट पर यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ इस बटन को मैं क्लिक भी करता हूँ। तो देखिए यहाँ ये मैसेज आपको दिखने लगा है, डिस्प देयर इज एन एरर हियर। अब आप देखोगे यहाँ कई सारे मैसेजेस प्रिंट होते हैं, तो अगर आपको इसको मैसेजेस को आप इस नॉइस को हटाना चाहते हैं, सिर्फ अपना मैसेज देखना चाहते हैं, तो एक तो यहाँ इस ड्रॉप डाउन में से इन्फो सेलेक्ट कर लें और दूसरा कोई भी एक आइडेंटिफाइंग वर्ड ले लें, जैसे कि मेरे इस मैसेज में डिस्प एक वर्ड है जिससे मेरा ये मैसेज आइडेंटिफाई होता है, तो मैं यहाँ उस डिस्प को लिख दूंगा। तो आप देखेंगे मैं जितनी बार भी क्लिक करूँगा ये मैसेज मेरा अपीयर होने लगेगा, देयर इज़ एन एरर हियर। तो ये जो फीचर है लॉगिंग का, ये कई बार हम यूज़ करेंगे और इसको अपनी एप्लीकेशन को डीबग करने के लिए यूज़ करेंगे या चेक करने के लिए यूज़ करेंगे ये फीचर ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। लॉगिंग के बाद जो अगला ऑब्जेक्ट हमें आज सीखना था वो था टोस्ट ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं टोस्ट ऑब्जेक्ट पर कैसे काम करते हैं। तो मैं अपनी इसी जावा फाइल के अंदर आ जाता हूँ, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, लॉग डॉट आई के बाद मैं एक क्लास यहाँ कॉल करता हूँ टोस्ट। टोस्ट क्लास के साथ एक फंक्शन होता है मेक टेस्ट, या मेक टेस्ट के अगेन दो ओवरलोडेड वर्जन है, हम ये दूसरा वाला यूज करेंगे, कैरेक्टर सीक्वेंस वाला, इंटीजर ड्यूरेशन वाला। तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, टेस्ट डॉट मेक टेस्ट। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट यहाँ पर मुझे देना है कॉन्टेक्स्ट, यानी मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, मैं करंट एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पास करूंगा दिस रेफर टू योर करंट कॉन्टेक्स्ट, यानी आपकी एप्लीकेशन का करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो ये है मेरी, यानी किस ऑब्जेक्ट से ये डिस्प मेथड कॉल किया जा रहा है, तो ये कॉल किया जा रहा है मेन एक्टिविटी से, तो ये मेरे दिस को रेफर कर, ये दिस मेरा इस करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, करंट कॉन्टेक्स्ट को रेफर करेगा। तो यहाँ लिखा मैंने दिस, और दूसरा जो मुझे यहाँ पर लिखना है वो है आपका कुछ टेक्स्ट, कैरेक्टर सीक्वेंस स्ट्रिंग। तो वो आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं जो आपको डिस्प्ले कराना होता है। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ हेलो डिस्प्ले कराना है, तो मैंने वो टेक्स्ट लिखा। और तीसरी चीज़ यहाँ पर आप जो लिखते हैं वो लिखते हैं कितनी देर आपका ये टोस्ट मेथड डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये मुझे कुछ डिफ़ॉल्ट दो फंक्शंस दिए, प्रॉपर्टी दी होती हैं, एक दिया होता है लेंथ अंडरस्कोर लॉन्ग और दूसरा दिया होता है लेंथ अंडरस्कोर शॉर्ट। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए इसे डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो लेंथ अंडरस्कोर लॉन्ग सेलेक्ट कर लें, अगर कम देर के लिए करना चाहते हैं तो लेंथ अंडरस्कोर शॉर्ट सेलेक्ट कर लें। तो मैं हाल फिलहाल लेंथ अंडरस्कोर लॉन्ग सेलेक्ट कर लेता हूं लीजिए। और अब जब आप ये टोस्ट बना चुके तो भूले ना सबसे लास्ट में आपको एक मेथड और कॉल करना है शो, तभी ये टोस्ट आपका यहाँ डिस्प्ले होगा ये मैसेज, अदरवाइज ये डिस्प्ले नहीं होगा। तो आइए इस एप्लीकेशन को फिर से रन करते हैं और देखते हैं। मैं इस बटन पर क्लिक करता हूं और देखिए यहां पर ये टोस्ट अपीयर होने लगा, ये लगभग 2 से 3 सेकंड के लिए अपीयर होता है। तो आई होप इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपको टोस्ट और लॉगिंग के बारे में समझ में आया होगा, एंड्रॉइड स्टूडियो में कैसे लॉगिंग करते हैं। तो अगर ये लेक्चर पसंद आया है आपको तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर कुछ सजेशन है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।